हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सम्माननीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे पीसीसी अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्माननीय सचिन पायलट जी, बहुत सारे विधायक मंच पर बैठे हैं, वो सब लोग जिले के कोने कोने से किसान, मजदूर, ओबीसी, महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक जितने भी सज्जन आप यहाँ पधारे हैं, आप सबको राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत आपका अभिवादन है। मंच पर जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सब का भी मैं अभिवादन करता हूं। अंत में माननीय मंच, आज आदरणीय प्रियंका जी ने और हमारे सभी नेताओं ने आपके प्रिय नेता रहे श्री सीसराम जी ओला की मूर्ति का अनावरण किया है, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। सीसराम जी ओला 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे और राजस्थान और दिल्ली में कई बार मंत्री रहे। उन्होंने 3 विद्यालय से इस संस्था की शुरुआत की थी, 3 बालिकाओं से। और पंडित जी का जो एक ध्येय था जवाहरलाल जी का, कि एक बालक अगर पढ़ता है तो एक परिवार, एक सदस्य पढ़ता है, और एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए और जवाहरलाल जी की प्रेरणा से, इंदिरा जी की अनुमति से इस संस्था का नाम इंदिरा गांधी बालिका निकेतन रखा गया। यहाँ 58 साल पहले जो इस बाई तरफ ये भवन दिख रहा है, इसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय इंदिरा जी आई थी, उसमें भी सूचना और प्रसारण मंत्री थी। उसके बाद कई बार जिले में आई, उसके बाद राजीव जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में आए, आदरणीय सोनिया जी यहाँ प्रधान अध्यक्ष के रूप में आई, 2-3 बार आई चुनाव में, प्रचार में, दूसरे जगह भी हमारे क्षेत्र में प्रचार किया। और आज जहाँ से इस मंच पर हम बैठे हैं, कांग्रेस और के नेतृत्व की और हमारे गांधी परिवार की 4th सदस्य आपको संबोधित करेंगे। प्रियंका जी ने एक संघर्ष का बीड़ा उठा रखा है और वो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, बहुत मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से हम वहाँ हमारी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएं। उसी कड़ी के तहत प्रियंका जी राजस्थान में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आप यहाँ भी आपके आपसे अपील करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ हाजिर हुई हैं। प्रियंका जी, ये वो इलाका है जहाँ किसान बहुतायत में रहते हैं, सैनिक बहुतायत में रहते हैं, जहाँ ओबीसी के लोग बहुत हैं और हमारे SC ST के भाई हैं और अल्पसंख्यक भाई हैं। इन लोगों में आपके प्रति बहुत आस्था है, गांधी परिवार के प्रति बहुत आस्था है और कांग्रेस के प्रति बहुत आस्था है। पिछले चुनाव में भी शेखावाटी हमारा जो रीजन है, इसने कांग्रेस को अच्छा समर्थन दिया था और अब हम मान के चलते हैं कि जो ये विशाल जनसमूह यहाँ है, आपको सुनने के लिए आया है, आपसे दिशा निर्देश लेने के आया है, ये निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे और आपके आदेश को मानेंगे, आपके अनुरोध को मानेंगे। भाइयों, एक ऐसी व्यवस्था दिल्ली में है जो न किसान के हितैषी है, न सैनिक के हितैषी है, न अल्पसंख्यक के हितैषी है, न SC ST के हितैषी हैं और न OBC के हितैषी हैं। उनसे कोई मुस्तैदी से लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और आदरणीय आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप यहाँ से ये संकल्प लेके जाएं कि हम
प्रियंका जी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे और उन वो जो हमको जो भी आदेश देंगे उसकी हम अक्सर से पालना करेंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं केवल आदरणीय ओड़ा साहब को आपने अपनी श्रद्धांजलि दी बल्कि प्रियंका जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आपने समर्थन जाहिर किया है मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, आपके सामने नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आपको